हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चंद्रयान 2 के बारे में। और ये आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व भर में चर्चा में रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपके पेपर में इस पे एक ऐसे को लिखने के लिए मिल सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप चंद्रयान 2 के बारे में किस तरह से एक बहुत ही अच्छे ऐसे को लिख सकते हैं और एक गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए। इसमें जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स को आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा ऐसे तैयार हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और हमारे चैनल पे मैंने आपको बहुत सारे ऐसे को कंप्लीट करा चुका है जो कि आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऐसे को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले कोई भी ऐसे को लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देना होता है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग किस तरह से देखेंगे। देखिए, चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान, इसके बाद आपको कॉमा देके लिखना है कि चंद्रयान फर्स्ट, और इसके बाद आपको डेट देना है चंद्रयान 1 का लॉन्चिंग डेट जो कि 22 अक्टूबर 2008 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने विकसित किया है। क्लियर, अब यहाँ तक आपको हो गया। अब इसके बारे में बताना होगा कि ये लॉन्च कब किया गया और कहाँ से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको ये लिखना है कि यह मिशन 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि भारत द्वारा यह मिशन 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाना था लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में लीकेज के कारण इसे 22 जुलाई को लॉन्च किया गया। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट किया। अब हमें लिखना होगा इसका मेन जो कि बॉडी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बॉडी में हम लोग क्या क्या एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना ये होगा कि पैराग्राफ चेंज करना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको हमेशा पैराग्राफ चेंज करना, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप लिखेंगे कि चंद्रयान 2 के इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, एक रोवर, और यहाँ पे रोवर का आप नाम भी डालेंगे कि प्रज्ञान, और एक लैंडर जिसको कोस्ट में लिखेंगे विक्रम। ठीक है, इन दोनों का नाम ये था जो कि रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में GSLV, और GSLV का आप यहाँ पे मतलब भी इसको बताएंगे ताकि आपके सामने एक अच्छा इंप्रेशन रख पाए। देखिए, GSLV का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3, ये पूरा इसका नाम था GSLV Mark 3, और इसी को शॉर्ट में बाहुबली भी कहा गया है, तो इसको भी मैं आपने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, GSLV Mark 3 या बाहुबली का प्रयोग किया गया। चंद्रयान 2 का कुल वजन 3850 किलो है, ये भी आपको ध्यान पर रखना है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे में डेटा को इंक्लूड करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बन जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो डेटा के थ्रू यहाँ पे आपको इंक्लूड कर रखा है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो हमारा बॉडी होता है उसको 2 से 3 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें। तो पहला पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। इसरो के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतही क्षेत्र है जो उत्तरी ध्रुव के तुलना में अधिक छायामय है, जिसमें पानी की उपस्थिति की संभावना है। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य पानी के स्थान और प्रचुरता का पता लगाना है। इस मिशन में चंद्रयान 2 को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक पहुँचाना और रोवर प्रज्ञान को इसकी सतह पर, ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या लिखेंगे, संचालित करना था। इसमें लैंडर का नाम विक्रम, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स छोड़ दिया था जैसे मैंने बाद में पढ़ा, तो यहाँ पे आप मैंने इंक्लूड करना चाहा बट यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो जाता इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। मैं आपको बस बताता हूँ कि चाहे तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ध्यान से, इसमें लैंडर का नाम विक्रम, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इतना पॉइंट्स आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखा गया है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे। अब हम लोगों ने इसका बॉडी कंप्लीट किया है और यहाँ पे अब हम लोग को कंक्लूजन देना होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो ऐसे है वो 200 वर्ड के करीब जा चुका है और यहाँ पे हम लोग अब 250 वर्ड के लिए हमें अब लास्ट में कंक्लूजन देना होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए हमें जो वर्ड है अब उनको यहाँ पे हम लोग समेट देंगे ताकि हमारा जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम की लैंडिंग से महज 2.1 किलोमीटर पहले
ठीक है 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट जाने से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। हालांकि वैज्ञानिक संपर्क बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट अपने से इंक्लूड करना है, जैसे कि देखिए विज्ञान में प्रयोग होते हैं विफलताएं नहीं, ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा और इसको जरूर से जरूर इंक्लूड कीजिएगा। चाहे आप को भी लिखे कुछ भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लेकिन ये लाइन आप एंड में डालिएगा तो ये थोड़ा सा इंप्रेसिव करेगा। यहाँ पे देखिए विज्ञान में प्रयोग होते हैं विफलताएं नहीं, हमें याद रखना चाहिए। मुझे यकीन है भविष्य में इसरो इस मिशन को पूरा करने में अवश्य कामयाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने 250 वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छे तरीके से इसी को कंप्लीट किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर इसने वीडियो को आपने एंड तक देखा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक ठोको यार, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करा है। अब नहीं करोगे तो कब लाइक करोगे, जल्दी से लाइक करो। और इस चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।